नमस्कार। राग रंग रस गाओ एक अभिनव सोच और विचार से प्रेरित प्रस्तुति है जो अभी आपके सामने पेश होने वाली है। आमतौर पर प्रस्तुत किए जाने वाले शास्त्रीय या राग संगीत से ये एक अलग प्रकार की अभिव्यक्ति इसे कहा जा सकता है। गायन के साथ एक प्राचीन कला है जिसको हमने इसके साथ एक साथ शामिल किया गया है। मित्रों, संगीत और चित्रकला में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में इसकी मिसाल देखी गई है, कई सालों से देखी गई है। हमारे पुरखों ने वेद और पुराणों में ये जो संगीत और चित्र का नाता है इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से काम किया है, इसके ऊपर भाष्य भी किया है जो शायद आज हम भूल गए हैं। इतिहास के पन्ने ये कहते हैं कि गुप्त और वाकाटक कालखंड में विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा गया और ये जो गुप्त और वाकाटक कालखंड है यह काल भारतीय कलाओं का वैसे सुवर्ण युग माना जाता है, जिसमें इस कालखंड में शिल्प बने, चित्र बने और जैसी कई कलाएं विकसित हो गई। ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात हमने कही, ये पुराण के चित्र सूत्र अध्याय में एक कथा है और मुझे लगता है कि यहाँ उस कथा का मैंने बात करना उस कथा के बारे में बहुत ही उचित होगा। इस कथा में राजा वज्र और मार्कंडेय ऋषि की कथा है। मार्कंडेय ऋषि राजा वज्र के गुरु हैं और वज्र उपासना कर रहे हैं और इसलिए वो गुरु मार्कंडेय से प्रतीक रेखाटन और शिल्प कला सीखने का अनुरोध करते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें पहले चित्रकला सीखने का अनुरोध करते हैं। जब चित्रकला सीखने की वज्र चित्रकला सीखने की चाह रखते हैं तब ऋषि उन्हें नृत्य कला से अवगत होने की बात करते हैं। जब नृत्य कला से अवगत होने की बात होती है तब ऋषि ताल की बात करते हैं, ताल समझने की बात करते हैं, ताल से फिर वाद्य, वाद्य से गायन और इस सबका गहरा रिश्ता इसकी बात चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंत में ऋषि मार्कंडेय राजा वज्र को सभी कलाओं का एक दूसरे के प्रति जुड़ना कितना स्वाभाविक है इसका यथार्थ उनको सूचित करते हैं। इस छोटी सी कथा में आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये कथा हमारे लिए मुझे लगता है इतनी ही यथार्थ है जितनी इस पुराण काल में थी। मित्रों, आज राग रंग रस गाओ में हम ऐसी ही कुछ बात करेंगे। साथ में पंडित विकास कशाड़कर जी और अंजलि मालकर दोनों मिलकर कुछ बंदिशें भी इसके अनुरूप गाने वाली है। इसके लिए आज हमारे साथ भारत विद्या अर्थात इंडोलॉजी के तज्ञ डॉक्टर श्रीकांत प्रधान भी है, जिनकी अभी पहचान आपको हो गई है। इस प्रस्तुति की एक अनोखी बात यह है कि इसमें हम रागमाला चित्र आपके सामने पेश करेंगे। यह रागमाला चित्र वैसे तो हमारी संस्कृति की माना जाए तो एक बहुत ही अनूठी धरोहर है। शास्त्रीय गायन राग संगीत के भाव स्वरों को प्रतीक रूपक बना के पंद्रहवीं सदी में ये रागमाला चित्र बनाए गए। हमारे भारत में कई सारी चित्र की शैली है तो ऐसी कई शैलियों से विकसित हो गई है ये रागमाला पेंटिंग है, जिसमें हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, देवतागण, निसर्ग, ऋतु सबके साथ गायन और वादन को जोड़ा गया है। भारतीय संगीत मित्रों, आप सब जानते हैं, अपार है, अथांग है भारतीय राग संगीत। मैं ज्यादा कुछ कहूँ और ज्यादा और बात करूँ इससे ये अच्छा होगा कि हम आज कार्यक्रम की प्रस्तुति गायन से शुरू करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत है राग भैरव, आपके सामने उसकी बंदिश पेश करेंगे अंजलि मालकर।
शंभो गिरिजापत शंभो गिरिजापत शंभो गिरिजापत शंभो गिरिजापत शंभो गिरिजापत हे त्रिपुरारी भवताप हरो मन शांत करो भवताप हरो मन शांत करो दीनन के दुख निवारी शंभो भवताप हरो मन शांत करो भवताप हरो मन शांत करो दीनन के दुख निवारी शंभो शंभो गिरिजापत शंभो 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 गिरिजापत शंभो आ आ
नीतीश आपने सुनी, मैं श्री प्रधान जी से पूछना चाहूंगी कि इसकी जो बंदिश अभी गाई गई उसका जो रूप यहाँ बंदिश में दिखता है, कृपया ये चित्र के बारे में आपसे बात करें। नमस्कार। बाद में तो हम देखेंगे कि लघु चित्र की परंपराएं क्या है, मगर उससे पहले जो अभी भैरव राग गा चुके हैं वहां पर, ये रागमाला चित्र जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर दो रागमाला चित्र है और ये भैरव राग के चित्र है। वैसे तो एक चित्र के ऊपर तो भैरव राग लिखा ही हुआ है और दूसरा भी यहाँ पर चित्र है, जो कि आगे हम लोग उसके बारे में बोलेंगे। मगर पहले जो चित्र है, यहाँ पर शिव जी विराजमान है, अर्थात भैरव यह शिव जी का अवतार है, या तो शिव जी का ही एक रूप है। और आप जानते होंगे कि भैरव ये अष्ट भैरव होते हैं और इनके 64 ग्रुप होते हैं, जो हर एक ग्रुप का, हर एक समूह के एक एक भैरव होते हैं, उसमें से एक ये भैरव है। भैरव का मतलब ही है ये बहुत ही रुद्र है, बहुत उग्र है, मगर यहाँ पर वो शांत है। क्योंकि रागमाला चित्र में जब आप राग गाते हैं तो शांत है, क्योंकि शांति का एक प्रतीक भी यहाँ पर ये विराजमान है। फिर भी यहाँ पर ये जो उग्र रूप है, ये भक्तों का जो दुख है, संकट है, वो निवारण करने के लिए उसका ये रूप उन्होंने ये किया। वैसे भी ये आद्य राग है। हाँ, भैरव एक आद्य राग है, जैसे प्राचीन राग है, इसके बारे में बाद में हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको कहूं कि शास्त्रीय संगीत के जो प्रमुख 6 राग है उसमें भैरव आद्य है। जैसे कहा जाता है कि कहे मियां तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरव। तो ये भैरव का एक रूप और उसका चित्र, इसके बारे में अभी आपके साथ बात की। भैरव के बारे में एक और बात यह है कि भैरव नाम से आपको शंकर की अनुभूति होती है, तो वैसे ही शास्त्रीय संगीत में भैरव से, भैरव के भी कई प्रकार है, जैसे अहीर भैरव है, बैरागी भैरव है, शिवमत भैरव है, नट भैरव है, भैरव के कई प्रकार है। लेकिन शिव के तत्वों को लेकर अन्य भी कई राग है, तो उसके बारे में मैं पंडित विकास कशागर जी से बात करना चाहती हूँ कि जो अन्य राग है, जैसे शंकरा है, केदार है, उनमें शिव तत्व जो है उसके बारे में वो बात करें। पहले तो भैरव के बारे में बात करना चाहूंगा। वो ऐसा है कि भैरव राग की निर्मिति कैसे हुई, तो कहा जाता है कि एक समय में जब मार्गी संगीत था, या कहिए एक संगीत की परंपरा थी, उस समय ब्रह्मा ने शंकर जी को ये कहा था कि जो आम जनता है, जो संगीत सीखना चाहते हैं, संगीत गाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा करिए कि जो संगीत सुन के मन प्रसन्न हो। तो ये जब ब्रह्मा जी ने शंकर को कहा, शंकर भगवान को कहा, तब ये कितार वो में मतलब कथा है। तो पहले तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने राग खोला, मुंह खोला, तो उसमें से 6 राग निर्मित हुए, ऐसा माना जाता है। उसमें से पहला भैरव होता है। तो पहला भैरव होता है, इसका मतलब क्या है कि पहले जो धुन निकली, जो उन्होंने गाई होगी, वो धुन जो है भैरव के समान थी, या उसको भैरव कहा गया, क्योंकि ये शंकर का ही दूसरा नाम है भैरव। तो ये राग जो है, पहला जो राग निर्मित हुआ उसको भैरव राग कहा जाता है। फिर आगे और कई सारे राग है, लेकिन यही एक राग नहीं है कि जिसमें शिव का दर्शन होता है। जो गायक कलाकार होते हैं उनको एक अपने मन के सामने, मन चक्षु के सामने कुछ दिखाई देता है, वो उसमें से शिव की आराधना करते समय भैरव दिखा होगा। वैसी एक शंकरा राग है, केदार राग है, शिवमत भैरव है, ऐसे कई सारे भैरव के भी प्रकार हैं कि जिसमें शिव का दर्शन उनको होता है। तो ये भी हो सकता है कि जो बंदिश बनाई, वो बंदिश शंकर भगवान की स्तुति में बनाई गई हो, तो उसमें से एक राग जो है शंकरा है, कि शंकरा में भी इस प्रकार से गाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि भगवान की, शंकर भगवान की स्तुति का एक ऐसा रूप, दूसरा रूप, शंकर के कई सारे रूप है, उसमें से एक रूप शंकरा में दिखाई देता है। और शंकरा की जो प्रकृति है, वो प्रकृति भी अलग है, तो क्यों ना हम देखें कि उसमें से भगवान का कुछ अलग सा रूप क्या हमें दिखाई देता है। वो पहले देखें, फिर बाद में आगे बातें करते हैं।
राग चलन का भी उसमें काफी काम होता है जी। तो राग चलन के अनुसार शंकरा में भी कैसा फर्क हो जाता है वो अभी आप हम बंदी से देखेंगे। देखा ही है, उसके बाजू में एक दूसरा भैरव का चित्र है। यहाँ पर अभी जो शंकरा और यहाँ पर जो उन्होंने बोल बोले हैं, सिर पे धरे गंगा, आप देख सकते हैं उसके सिर के ऊपर गंगा जी है, सामने भी गंगा बह रही है। और भैरव का रूप, शंकर तो शंकर होते हैं मगर भैरव का रूप आप पहचानेंगे कैसे कि ये भैरव ही है? तो इसलिए वहां पर नीचे आप देख सकते हैं वहां पर एक श्वान है। और आप कभी घर में या तो मंदिर में भी जाकर देख सकते हैं कि भैरव के नजदीक या भैरव के समीप एक श्वान होता है। इसीलिए हमें इस चित्र की पहचान भैरव से ही होती है। इसके गले में नररुंड माला है और पूरे शरीर पर उसने सर्प धारण किए हुए हैं। अगर ये आप रूप सब देखेंगे तो आपको हमेशा आपके चक्षु के सामने भैरव की ही याद आएगी। मगर मैं पंडित जी से भी बात करूंगा क्योंकि इसका समय क्या होता है। जी जी, देखिए कि भैरव राग जो है, तो भैरव राग तो सुबह में गाया जाता है, प्रातःकालीन राग है, और शंकरा जो है सायंकालीन राग होता है। तो जैसे हमने पहले कहा कि सुबह में एक शिव की एक अलग मूर्ति हमारे मन चक्षु के सामने आती है और शाम को अलग अलग प्रकार की होती है, ऐसा ये इसका ये है। तीसरा हमने जो बताया कि जैसे एक केदार राग भी रात में मतलब प्रथम प्रहर में गाया जाता है, जो कि शिव का उसमें भी रूप मानते हैं लोग। तो मैंने आपसे एक बार सुना था कि आपने केदार राग की पेंटिंग देखी थी जी, अभी के दिनों में जी, ये तो पुरातन बात है, ये पुरातन काल की। तो कशालकर जी ने एक महफिल में ऐसे देखा कि केदार राग चल रहा है और वो चित्रकार ने बाद में उसका तुरंत उठ के गया बीच में, तो मैं उनसे वो सुनना चाहती हूँ। हाँ जी, हमारे गुरु जी केदार राग गा रहे थे
और कोई एक चित्रकार सामने बैठे थे, ऐसे महफिल चल रही थी और वो महफिल चलते 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 बीच में से उठ के चले गए। तो हमने सोचा कि शायद इनको संगीत पसंद नहीं आता होगा, तो ठीक है हमने कहा। फिर आठ दस दिन के बाद वो आए और एक बहुत सुंदर सा शिव जी का, शंकर का बहुत सुंदर सा चित्र लेके आए, तो बड़ी प्रसन्नता। तो हमने कहा वाह जी वाह क्या बात है। तो हमने उनको प्रश्न पूछा कि लेकिन ये है कि आपने तो पर शंकरा वो राग केदार तो सुना ही नहीं, और ये आपने चित्र कैसे निकाला? तो वो कहने लगे कि उसके जो स्वर है वो स्वर इतने हमारे मन को भाए थे कि वो ही देख के हम उठ के गए कि शायद है कि ये बाद में उसका कोई अलग स्वरूप हो जाएगा, तो वो नहीं कहना चाहते थे, वो नहीं करना चाहते थे। तो बहुत सुंदर सा एक शंकर भगवान का उन्होंने, तो केदार राग के सुरों में उनको शंकर भगवान की एक मूर्ति दिखाई दी, तो वो उन्होंने अपने चित्र में निकाली थी। नागपुर की ये बात है और बहुत सुंदर ऐसा चित्र वो हमारे गुरु जी के घर में अभी भी है। अभी आपने देखा भैरव, देखा फिर अंजलि से अपने शंकरा सुना, अभी केदार की बात सुनी, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सब में शिव तत्व है, वो प्रातःकालीन राग हो या सायंकालीन राग हो उसमें शिव तत्व है। चित्र में आप सिर्फ समझना चाहते हैं कि इसमें थोड़ा फर्क क्या हो गया होगा, प्रातःकालीन में क्या हो गया होगा या शाम के समय का क्या हो गया, तो वो प्रधान जी से जानते हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपके नजर में एक बात हमेशा आएगी कि अगर इसका आकाश देखेंगे ऊपर, इसलिए मैंने समय के बारे में पूछा था, ये आकाश देखेंगे तो ये जो लाल या तो कोई ऐसा मरून कलर का है, ये सुबह की आभा है, और यहाँ पर उनको पक्का मालूम है कि यहाँ सुबह का वक्त है और ये वक्त उन्होंने अपने चित्रों में किया है। वैसे अभी उन्होंने कहा था कि ये जो दूसरा राग है वो शाम का राग है, आप दोनों के आकाश में फर्क देख सकते हैं, वो फर्क रंगों में है और आपको उसका तुरंत पता चल जाएगा कि अरे ये दोनों राग में समय का जो समय है वो चित्रकार ने बखूबी अपने कलम से यहाँ पर चित्र दिया है, उतार दिया है विविध रंगों के साथ, यानी यहाँ पर चित्रकार और गाने वाले एक साथ हैं और उनको समय के बारे में पता है। तो यही रागमाला पेंटिंग की एक अभिव्यक्ति है कि जिसमें ये सारा एक साथ देखा गया है और इतने साल पुराने ये सारे चित्र बनाए गए हैं। मित्रों, भारतीय राग संगीत और संगीत विचार में ऋतुकालीन रागों की एक बहुत बड़ी दुर्लभ और सुंदर परंपरा है। वर्षा ऋतु मानिए सृजन का प्रतीक है, वर्षा ऋतु आप मान सकते हो चैतन्य का भी प्रतीक है, उसमें रौद्रता है, आनंद है, उमड़ घुमड़ कर आने वाली बारिश सारे चराचर को आश्वासक बनाती है और सृजन की ओर संकेत करती है। तो इस भाव अवस्था का राग संगीत में दर्शन दिखाई दिया तो वो बात बहुत ही स्वाभाविक हो गई, और इसी से कहते हैं कि इसी से राग मल्हार बना। ये ऋतुकालीन राग है और मल्हार का मूल नाम है मल रूह का, जो मल का हरण करने वाला है वो मल्हार है। इस चित्र में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आकाश पूरा भर चुका है और वहां पर बादल वगैरह छाए हुए हैं, और वो सखी या तो उसकी जो नायिका है वो पूरे महल से बाहर जा रही है और उसको सखी बोल रही है कि क्यों जा रही हो बाहर, क्योंकि बारिश हो रहा है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, मगर पहले गायन प्रस्तुति करेंगे जी। मल्हार के बारे में थोड़ा दो शब्द कहूं और फिर शुरू करूं। ऐसे कहा जाता है कि मल्हार राग बरसात के दिनों में गाया जाता है, मतलब बाकी दिन भी, जैसे अभी बरसात नहीं है फिर भी हम गा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि ये मल्हार की कल्पना कैसे सूझी होगी, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मल्हार का जो चलन है तो वो सा सा म रे प प नी सा सा ग म प प ग म रे सा नि सा रे प ग म रे सा, मतलब जो हर समय हम सीधा चलन करते हैं
उस प्रकार का चलन इसमें नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाता है और आते से एकदम सा, मतलब नीचे आता है और फिर वो ही होता है। तो बारिश की कल्पना किसी के मन के सामने आई और उसने मल्हार बनाया और फिर बाद में उसमें से मियां मल्हार बना है। Daddy।
सुना होगा वो गाने का जो आनंद है, गाने का जो भाव है, वो पूरा का पूरा भाव इस चित्र में आप देख सकते हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, जैसे मैंने कहा था वो सखी है या राधा है, वो बाहर आ रही है पूरे आकाश में, वहां पर बिजली चमक रही है। मगर ये सब संकेत है, सब आकाश में से बादल छाए, बादल में से बारिश हो रही है, उस बारिश में वो भीगना चाहती है। ये बादल जो है ये प्रतीक कृष्ण के है, इसीलिए हम लोग श्याम वर्ण कहते हैं। वो श्याम वर्ण यहाँ पर है, यानी कृष्ण बादल है और वो बरस बरस कर उसी के ऊपर उसके प्रेम के स्वरूप में बरस रहा है। अगर आप चित्र का जो सिंबोलिज्म है, चित्र का जो संकेत है, वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये राग और ये चित्र एक है। इसीलिए कहा जाता है कि रंजेति इति रागा, आपका जो मन मस्तिष्क इसमें जो रंग चुका है, वही रंग आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, कानों के माध्यम से जो सुन सकते हैं, रंग सकते हैं, वही आंखों के माध्यम से आप रंग सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी अगर आप बॉर्डर देखेंगे, इसके जो ये है उसमें बहुत बारीक नक्काशी है, वो बारीक नक्काशी भी आकाश में से जो बारिश गिरती है उसका भी एक प्रतीक है। यानी यहाँ चित्रकार ने एक बहुत बारीक कलम से बारीकी से काम किया है। पूरे आकाश में जो बिजली चमक रही है, इसलिए वो पूरी जो पूरा जो महल है वो चमक उठा है। महल का हर कोना आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ऊपर एक खिड़की में, एक गवाक्ष में कोई व्यक्ति है और वो देख रहा है कि अरे ये क्यों जा रही है यहाँ पर। यानी आप एक दूसरे की भाषा समझते हैं, वो सब भाषा हस्तलाघव से या फिर पेड़ों से या फिर इमारतों से एक दूसरे के साथ बात करती है। इसीलिए आप ये चित्र उसी तरह देखते हैं जिस तरह आप ये राग सुनते हैं। इसी के साथ में एक और भी आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये हम कह रहे हैं कि ये सारे पेंटिंग्स 15वीं सदी में बने या तो 16वीं सदी में बने, तो इसका इतिहास क्या है और कैसे बने? ये रागमाला पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई और ये कहां तक चलता रहा? वैसे तो अभी विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात कह चुके हैं, पर अगर आप चित्रकला का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे तो आपको अजंता की गुफाओं तक जाना होगा, जहां ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर चित्र है। वो चित्र क्या है? वो चित्र एक किस्म के राग है, एक प्रकार का एक गाना है। मगर उस वक्त गाना क्या, कैसे गाते थे, ये हमें पता नहीं है, पर चित्र के माध्यम से वो देख सकते हैं। हम लोग ये भी जान सकते हैं, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम यत्र चित्र प्रतिष्ठितम। अगर चित्र जहां प्रतिष्ठित है वहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिलता है। यानी चित्र इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम सबके घर में चित्र होता है। मगर ये रागमाला चित्र की शुरुआत जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग पीछे जा सकते हैं। अगर ऐतिहासिक तथ्य को जानना चाहते हैं तो 15वीं सदी से पहले हमारे पास कोई ऐसे ये नहीं है, चित्र नहीं है कि जो हम लोग बता सकते हैं। मगर 15वीं सदी के बाद, इन्होंने कहा था अभी, उसके बाद के कुछ चित्र हमें मिलते हैं और उसमें से हमें पता चलता है कि चित्रकला यानी राग चित्र की कला 15वीं सदी के बाद कहीं तो शुरू हो चुकी है। मगर हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसी वक्त शुरू हो चुका है, मगर उसके कुछ बीच है, वो हो सकता है उसके पीछे भी जा सकते हैं। पर इसके लिए हमें गानों का इतिहास देखना पड़ेगा, तो रागों का थोड़ा सा इतिहास, कहां पर ये गाने हैं। तो हम अभी इन्होंने जो प्रस्तावना की थी उसमें वेद पुराण वगैरह ये किए बोल, उसमें कुछ उल्लेख है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें उल्लेख है। मगर बाद में हम लोग जैसे कि महाभारत तक आ सकते हैं, रामायण तक आ सकते हैं, और उसके बाद
राग सागर है, फिर भरत का नाट्य शास्त्र है, उसमें कुछ राग गानों के वर्णन यानी उसके बारे में कहा चुका है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अभिलाषितार्थ चिंतामणि है, यानी ये पूरा का पूरा माहौल आप देखेंगे तो ये 16-19वीं सदी तक चलता है, और उसके बाद हमें रागमाला चित्र कुछ ज्यादा नजर नहीं आते हैं। मगर इसके बीच में रागमाला चित्र में जो प्रकृति है, आकृति है, वो क्यों आने लगती है? क्योंकि वहां पर जो ग्रंथ लिख चुके हैं उसमें कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये राग जो है ये गाते हैं, ये स्वर रूप है और इनका नादमय रूप है, और दूसरा उनका देवमय रूप है। ये जो नादमय रूप है जो साक्षात परमेश्वर को इनके इनके मुख के जरिए आपके आंखों कानों के सामने ये उसका एक आकार तैयार हो जाता है, मगर आंखों के सामने उसका एक आकार तैयार होता है, तब ये राग रूपमय हो जाते हैं, देवतामय हो जाते हैं। इसीलिए इस राग चित्र में देवताओं के चित्र और कुछ मानवीय चित्र भी उभर आते हैं, क्योंकि उस रागों का वर्णन जो है वो पूरा आकृति में होता है। मगर यहाँ राग जो है ये पूरे राग हमारे शास्त्रों के जरिए सीजन से या ऋतु से कुछ उत्सव होते हैं उस उत्सव से या कुछ पूजा विधि वगैरह होते हैं उसके साथ उसको जोड़ दिया है। इसीलिए आप आगे भी देखेंगे कि हिंडोल राग है या तो फिर बाद में वर्षा ऋतु का है, तो ये राग जो है ये इस समय के कुछ समय के साथ भी जोड़ चुके हैं। इसीलिए ये चित्र में जो समय आता है, कभी कभी समय आता है और चित्रों में समय कैसा आता है वो भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे भैरव राग में रंगों के जरिए या तो कुछ चीजें हैं, कुछ सिंबॉल्स है, कुछ संकेत है, वो अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसी तरीके से हम लोग रागों के बारे में उसका जो आकार है वो चित्रों में अपने आप बदलने लगता है। चित्रकार के मस्तिष्क के सामने जब एक गाना शुरू हो जाता है, राग शुरू हो जाता है, जैसे अभी शंकर जी का जो चित्र बनाया था जो सर ने हमें कहा उसके बारे में, वैसा ही होता है कि वो नाद रूप में गा रहे थे और चित्रकार ने उसको देवतामय रूप में उसको डाल दिया था। कितनी बड़ी बात कही प्रधान जी ने। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भैरव का एक तत्व है, वैसे वो कहे जाए तो मल्हार का भी एक तत्व है। मल्हार का एक रूप तो मल्हार राग है, लेकिन उसमें कई छटाएं हैं मल्हार की, और उसे अलग अलग रूप का रूप को देखा जा सकता है। राग के अलग अलग समूह बन के उसमें ही उस छटा का एक अलग सा वर्णन हो जाता है। इसे हम कहेंगे कि ये मल्हार है, ये गौड़ मल्हार है, ये सुर मल्हार है, या कुछ मेघ राग है। तो आइए एक और मल्हार की छटा का एक और राग सुनते हैं, और एक वर्षा गान का एक और जिसे कहता है वो मेघ राग है। इस राग पर जाने के पहले कुछ बात कहना चाहूंगा मैं कि अभी जो मैंने राग गाया वो 16वीं सदी का राग माना जाता है, मतलब मियां मल्हार जो है मियां तानसेन ने बनाया, मतलब ये बात मानी जाती है, सत्यता तो हम उसको जान नहीं सकते, लेकिन उनके किताबों में उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें मियां मल्हार का जिक्र किया है। तो ये भी है कि इसके पहले मल्हार के कई सारे रूप हमको दिखाई देते, 15वीं सदी में दिखाई देते, 14वीं सदी में भी दिखाई देते हैं। तो सर्वप्रथम राग जो है मल्हार का प्रकार वो मेघ माना जाता है, और ये भी देखा गया है कि जो मल्हार है वो मल्हार का एक विरह से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ दिखता है, पहले भी जैसे हमने दिखा। तो ये भी हो सकता है कि बरसात होते रहती है और वो एक अपने प्रियकर को मिलने के लिए आतुर एक नायिका है कि जो अपना एक मन की बात वो कहना चाहती है, तो उसके लिए वो बंदिश के माध्यम से या कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। जैसे इसमें देखा कि एक घन गरजत गरजे मेहरवा मोहे डर लागे सजनी, उसको पिया को मिलने जाना है लेकिन वो जा नहीं सकती, तो देख रही कि ये बारिश कब खत्म होगी और मैं कब मिलने जाऊं। ऐसा हम लोग जैसे मतलब सोचते हैं, ये कोई और ढंग से लिखा होगा क्योंकि ये उसके पहले का चित्र है, समझ गए ना, लेकिन हमारे मन में जो भावना जो आती है वो इस प्रकार के उसी प्रकार की एक भावना ये मेघ मल्हार में है। थोड़ी बंदिश सुना लो। Thank you.
गड़े गड़े पल पल दिया अगुलाल श्रृंखला में बसंत भी एक ऐसा राग है जिसे हम ऋतु वर्णन करने वाला राग कह सकते हैं। हमारी संस्कृति ने सारे रागों को ऋतु के रूप में जोड़कर अनूठी परंपरा में उसे जोड़ा है। यह अनूठी परंपरा संस्कृति की है, उत्सव की है, त्योहार तत्व भी उसमें है। तो ये सारे पहलू जो है, ये सारे पहलू रागों को जुड़ गए और ये ऋतुकालीन राग बन गए जिसमें बसंत एक अहम राग है। वैसे कहे तो बसंत एक रूप रस गंधमय ऋतु है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सब ब्लॉसम जैसे बोलते हैं, सब फूल पैर सब फलते हैं उस ऋतु में। तो इसमें स्वाभाविक रूप से बसंत रूप उसमें दिखता है। तो बसंत राग जो है ये ऐसा ही है जो कुछ इस तरह से फला फूला हुआ राग है, हम उसे ऐसे कह सकते हैं। और ये राग जो है वो हर्षोल्लास का राग है। बसंत ऋतु श्रृंगार की बात है बसंत ऋतु में, तो ये सारी बातें जब आती है, श्रृंगार आता है, हर्ष उल्लास आता है, तो मान लीजिए कि उसमें भगवान कृष्ण का भी एक रूप आता है, इसका साथ कृष्ण तत्व से भी है। तो पहले बसंत की चित्र की बात करते हैं, फिर अंजलि से एक बंदिश सुनते हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें ऋतु का वर्णन है, और वैसे भी हमारे जो राग है वो ऋतु के साथ जोड़े गए हैं। यहाँ पर आप वसंत ऋतु का दो चित्र है, मगर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि वसंत ऋतु भरा पूरा फूलों से, पानी पानी से, जल से, वहां बतख वगैरह सब विहार कर रहे हैं जल में। ऊपर आकाश पूरा नीला आकाश है, और पूरे जो पेड़ है वो फूल चुके हैं,
उनमें कुछ आपको मोर नजर आएंगे। ये मोर वहां पर डालने का संकेत क्या है? तो मोर ये रंगों का प्रतीक है, क्योंकि मोर के शरीर पर जो रंग खिलते हैं, सप्त रंग से ऊपर उसके बहुत से रंग हैं, यहाँ पर रंगों का सिलसिला जो है वो रंगों का सिलसिला पूरे चित्र में है। और वैसे भी यहाँ पर कृष्ण जी बीच में है, वो नाच रहे हैं, हाथ में उन्होंने एक घड़ा लिया हुआ है जो कलश है, और उसमें कुछ पेड़ और उसको कुछ फूल आ चुके हैं। और वैसे भी हमारे परंपरा में कलश और ये मंगलता का प्रतीक है। और वैसे भी आप ये जो सब नारियां देखेंगे वो छह है, और वैसे भी राग और उसकी रागिनियां, हो सकता है कि इसमें वो रागिनियां उसके फेर पकड़कर नाच रही है, और प्रमुख राग जो है वो साक्षात कृष्ण बीच में नाच रहे हैं। अंजलि, अभी जो बंदिश गाने वाली है वो है फगवा ब्रिज देखन को चली, तो वो चित्र शायद वो वाला है, तो इस चित्र के बारे में आप कहें। वहां पर आप देख सकते हैं कि वो उत्सव है, पूरे शरीर के ऊपर, एक दूसरे के शरीर के ऊपर पूरे रंग उड़ाए जा रहे हैं। आकाश में वही जो निसर्ग है उसी तरह खुल चुका है जैसे होली के समय होता है, वैसे रंगों का आप देखेंगे तो रंगों का रंग देखेंगे तो वहां जो पार्श्वभूमि है वो आगे जो है उसके आगे केले के झाड़ है, और उसके पीछे एक लाल रंग का पूरा पार्श्व भाग जो पार्श्व है वो पूरा रंग उसमें रंग चुका है। पर केले का जो प्रतीक है वो हमारे यहाँ केले का प्रतीक स्त्री से सौंदर्य से है, इसीलिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो ऋतु है वो सौंदर्य से खुला है। वहां पर पूरे महल में होली मनाई जा रही है, फागुन का समय है, और उसी में ये सब गाना वगैरह चल रहा है, और यही साक्षात रूप उस राग का, और सब राग रागिनियां सब एक हो चुके एक दूसरे के ऊपर रंग में, एक दूसरे के रंग में रंग रहे। अभी आप जैसे कहा पीला केसरी लाल सब रंग यहाँ पे दिख रहे हैं, जो हम साक्षात होली में हम सब लोग वो रंग का अनुभव करते हैं। तो ये जो अंजलि अभी बंदिश गाने वाली है वो भी ऐसी ही बंदिश है, फगवा ब्रिज देखन को चले। बसंत राग भी एक इतना उल्लासमय राग है, जो कहते हैं कि उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान राग माने उसमें तार सप्तक के सुर ज्यादा आते हैं, तो ऐसे उत्तरांग प्रधान राग की एक अनूठी छटा हमारे राग संगीत में दिखते हैं। तो आइए सुनते हैं राग बसंत। आ
मैं पहले बोल लूं। देखिए कुछ रागों का संबंध हमारे मंदिर संगीत से है। हमारे यहाँ दो प्रकार का संगीत था, ये जो मंदिर संगीत कहते हैं उसको दूसरी भाषा में हवेली संगीत भी कहा जाता है। तो हवेली संगीत की परंपरा हमारे उत्तर भारत में वृंदावन, मथुरा, आगरा यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर थी। इसका कारण ये था कि वल्लभ एक संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग जिसको कहते, तो पुष्टि मार्ग में बसंत राग बड़ा महत्वपूर्ण माना गया था। ऐसे कुछ राग थे कि जिन रागों को बहुत बड़ा महत्व दिया था, उसमें से एक बसंत राग है। इसका कारण ये था कि बसंत राग गाने के लिए या उस प्रकार के गीत गाने के लिए लोग और लुगैया दोनों भी इकट्ठा होती थी। सामाजिक एकता का एक ये बहुत बड़ा प्रतीक था कि संगीत के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े थे। और ये जो औरतें थी वो श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आती थी। आप देखेंगे तो हर एक बंदिश में कृष्ण ही क्या है, क्योंकि कृष्ण एक दैवत माना गया था उस समय, श्रीनाथ जी जिसको कहते हम, कि उन पर कई सारे बंदिश बनी। जो हमारे हवेली संगीत में जितने भी गीत बने वो सब कृष्ण पर आधारित है। तो कृष्ण पर ये आधारित जो गीत है वो गाने के लिए वो सब औरतें वहां आती थी। इससे दो बात हो गई, एक हमारा भक्ति मार्ग या पुष्टि मार्ग जिसको, उसको भी बढ़ोतरी मिल गई। और दूसरा यह है कि संगीत में राग बनाए गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पुष्टि मार्ग में या हवेली संगीत में हर दिन नया गीत गाना ये परंपरा थी। हर दिन तो उसके लिए काम को लगाया था अष्टछाप कवियों को। अष्टछाप जो कवि थे उनको हर दिन काम था कि एक नया गीत बनाए, उसको धुन लगाए, उसको राग में ढाले और फिर वो प्रस्तुत करे। पुराना कोई भी चीज है वो श्रीनाथ जी को नहीं दिया जाता था। जैसे बासी खाना हम लोग भगवान को नहीं देते हैं, उसी प्रकार से बासी कोई गीत है तो उसको नहीं दिया जाता था। तो देखिए कि कितनी बड़ी बात हो गई, एक सूरदास जी ने 125,000 गीत बनाए, कृष्णदास, कुंभनदास, इतने सारे लोगों ने कई सारे गीत बनाए। ये सृजनशीलता हमारे संगीत के माध्यम से हुई है। और उसमें ये बसंत राग था कि बसंत राग गाने के लिए हर समय अलग नया गीत बना के ढोल लेके और क्या क्या लेके सब लोग आते थे। जिसको झांझ बजाना आता है वो झांझ बजाए, ढोल बजाए, कोई और वाद्य लेके आए वहां और अपने अपने इससे दिल खोल के गाए और डांस करे, नृत्य करे, ऐसी परंपरा थी। वो उस पर आधारित ये चित्र है कि जो सब लोग मिलके इकट्ठा गाते थे, सामूहिक संगीत जिसको कहा जाता है, इसकी परंपरा इसमें बताई गई है, वो हम कहना चाहते हैं। श्रीनाथ जी का संगीत इन्होंने अभी कहा, तो बसंत राग में जो भी हवेली संगीत बना उसकी कई बंदिशें बनी और हम सब लोग जानते हैं कि ये सारी बंदिशें अभी तक चलती आ रही है। बसंत है, बसंत में रंग है, बसंत में पीला रंग है, केसरी रंग है, लाल रंग है। तो एक बात, इस बात से मैं अंजलि से एक बात पूछना चाहती हूँ। अंजलि, क्या स्वरों के भी वर्ण होते हैं? जी हाँ, स्वरों के वर्णों के बारे में बृहद्देशी, ये जो 7वें या 8वें शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया मतंग मुनि ने, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, पद्मपत्र प्रभा षड्ज ऋषभा शुक वर्ण कहा कनकाभस्तु गंधारो मध्यमहा कुंद सान्निभा पंचमस्तु भवेत कृष्ण पीतवर्णस्तु दैवतः निषादः सर्वे वर्णोयम् विज्ञेयाः स्वरवर्णकः। इसका मतलब उन्होंने बताया है कि कमल पत्र के समान षड्ज है, शुक के वर्ण के समान ऋषभ है, सुवर्ण के समान गंधार, चमेली के समान मध्यम, पंचम का वर्ण कृष्ण है, दैवत का पीत वर्ण है यानी पीला है, तथा निषाद सभी वर्णों से युक्त है। तो इस तरह से ये जो श्लोक है ये हमें 7वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन इस वर्णों का आज हम अपने स्वरों से कुछ मेलजोल नहीं बना पा रहे हैं। हम इतना ही इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वरों का और वर्णों का बहुत ही गहरा संबंध उस वक्त था,
शायद भावों के अनुसार था, क्योंकि स्वरों से भी भाव अभिव्यक्त होते हैं और वर्णों से भी और रंगों से भी भाव अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए शायद ये दोनों का मेल उस वक्त से शुरू हुआ। आगे चल के इनका हम पूरी तरह से संयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि स्वरों का और वर्णों का संबंध प्राचीन काल से है। बसंत राग के बारे में अभी ये चर्चा चल रही है और स्वरों के वर्णों के बारे में बात हो चुकी है, फिर एक बार चित्र की ओर देखते हैं। अभी मुझे लगता है ये हवेली संगीत का चित्र है कि नहीं है, ये जो दूसरा चित्र है, पहला हाँ, चित्र बसंत राग का मतलब ये हवेली संगीत ही है, लेकिन बंदिश जो अहम गा रहे हैं वो उस समय उस जमाने की नहीं है। क्योंकि उस समय तो ध्रुपद और धमार चलते थे, हाँ। उस समय ये तीन ताल की बंदिशें नहीं थी, हम तो गा रहे तीन ताल की बंदिशें, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन इसमें जरूर दिखता है कि ये हवेली संगीत का ही है, जो चित्र है वो पूरा हवेली संगीत का ही चित्र है। वैसे अभी तो सर जी ने कहा है कि हवेली संगीत वगैरह इसके बारे में आपने जानकारी ली, मगर अगर आप अभी भी श्रीनाथ जी जाएंगे तो आप मंदिर नहीं जाते हैं, हवेली जाते हैं, और भगवान का दर्शन करने का भी एक वक्त होता है, आप कभी भी मंदिर में उस जा नहीं सकते, उस हवेली में। यानी वो जो परंपरा है वो उसी तरह है, वहां 56 भोग भी लगते हैं। यानी जैसे संगीत में हर रोज, सर ने कहा कि हर रोज एक नई बंदिश होनी चाहिए, हो सकता है कि हर रोज एक नया प्रसाद वहां पर चढ़ता है। यानी ये परंपरा एक दूसरे के साथ इतनी मिलती जुलती है कि हर रोज एक नया आविष्कार उसमें से तैयार होता है। अभी सुरों के रंगों के बारे में कहा था कि 7वीं-8वीं शताब्दी में ऐसे वर्णों के रंग में ऐसे कुछ चित्र भी मौजूद है जहां पर उन वर्णों का चित्र निकाला हुआ है कि ये वर्ण का ये चित्र है। और अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ कृष्ण जी तो नीले हैं, कभी आपको श्याम रंग में भी रंग डले हैं वो, और हमेशा चित्र में अलग अलग किस्म की जो आकृतियां हैं वो सूर है, वही सूर है, और वहां से ये पूरे चित्र में से एक रस निष्पत्ति होती है, और वही रस आनंद देता है जो संगीत में है, जो राग में है, इसीलिए चित्र आपको हमेशा आनंद ही देते हैं। आइए बसंत राग में एक और बंदिश सुनते हैं अंजलि से। पहले वाले बंदिश में हमने रंगों की बात कही, भगवा ब्रज देखन। अभी इस बंदिश में आप निसर्ग को देखेंगे, आप प्रकृति को देखेंगे, उसके फूलों को देखेंगे और उसके सुगंध को भी देखेंगे। मधुकर जब संत बसंत पधारी मधुकर
अभी जो इस राग में ध्वनि, सुगंध, शब्द, ये सब चित्र में आप देख सकते हैं, ध्वनि आप सुन सकते हो। इन पूरे लोगों के हाथ में ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य है। वहां मोर है, वहां शब्द है, यहाँ पुष्प है, सुगंध है, और जल है, जहाँ स्पर्श है, जहाँ जहाँ पूरे आप वहां पक्षी है, ये पूरा ऋतु फूल चुका है। ये पूरा जो कुछ है ये आप इस चित्र में, चित्रकार ने उसी प्रकार से चित्रित किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कम से कम ये चित्रकार जो है, हो सकता है कि ये चित्रकार ये राग सुनकर ही ये चित्र निकालते होंगे, या तो कुछ लोग उनको कैसे चित्र बनाने हैं वो कहते होंगे, मगर इस चित्र में आप पूरा का पूरा अंकन देख सकते हो जो इस राग के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न हुए हैं, वही आप आपके चक्षु के सामने भी सामने है। ऋतुकालीन रागों की बात हो गई, हमने मल्हार सुना, हमने बसंत सुना। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत उच्चैते, ऐसे कहा गया है, जो हम दोनों रागों में वो देख चुके, बसंत में देख चुके, मल्हार में देख चुके। एक और अगले राग चित्र की ओर चलते हैं। रंजयति इति रागः, ये तो अभी इन्होंने बताया, ऐसे राग संगीत का वर्णन किया गया है जो रंजन करता है, लुभाता है, वह राग है। लेकिन इस छोटी कक्षा के आगे भी बहुत कुछ फैला हुआ राग है, वो शायद हमारे शब्दों के परे है। राग संगीत बहुत बड़ा है, इसलिए राग संगीत का हमें अनुभव करना होता है। शब्दों से परे जो चीज होती है उसका अनुभव करना होता है, जो हम अभी साक्षात कर भी रहे हैं। हम अब बिलावल राग की बात करेंगे। ये जो चित्र है वो रागों के सुरों से मुग्ध होके चित्रकार ने सुर बनाए, चित्र बनाए हैं ऐसे हम मानते हैं, लेकिन राग के रूप सौंदर्य में चित्रित हुए हैं, इससे भी कई कक्षा इसकी खुली है। तो राग संगीत और चित्रमाला पेंटिंग, इनका जो अनूठा नाता जुड़ गया है, उसको, इस दो कलाओं को एक साथ रख के आज का जो कार्यक्रम बनाया है। तो एक छोटी सी बात अंजलि से यहाँ पे पूछनी थी, ये तो अभी हमें पता चल गया रागमाला पेंटिंग है, राग अलग है, तो ये एक साथ जुड़ के एक प्रोग्राम करने की कल्पना भी कैसे सोची? वैसे देखा जाए तो हम शिक्षक जो होते हैं वो संगीत के कई आयामों का अध्ययन करते हैं, तो इसी इतिहास का अभ्यास जब मैं कर रही थी तब कुछ रंजक प्रयोग मुझे इतिहास में किए हुए दिखाई दिए, जो केवल संगीत के भी परे थे, जिसमें चित्रों का, शिल्पों का और प्रतीकात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इन कैरेक्टर्स का इस तरह से भी प्रयोग पुराने जमाने में हुए जब मुझे दिखाई दिए। और चित्र और संगीत को लेकर एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रयोग मध्ययुगीन काल में हुआ, तो मुझे ऐसे लगा कि आज इस प्रयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज के सुपर स्पेशलिटी माहौल में संगीतकार कुछ अलग है, चित्रकार कुछ अलग जगह बैठे हैं, उनका एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से कला के प्रति एक पूरा दृश्य, पूरा चित्र एक निर्माण होना, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा। और बस मैंने सोचा कि शायद ये हम मंच पर ला सकते हैं। हमारे गुरुजी का मुझे आशीर्वाद मिला, डॉक्टर प्रधान और प्रभाजी, इन्होंने मुझे मेरा साथ दिया और इस तरह से यह कार्यक्रम मंच पर मैं ला पाई, ऐसे मुझे लगता है। एक अनूठी कल्पना के हम साक्षीदार हैं, आप भी साक्षीदार हैं, और ये प्रयास आपको भी अच्छा लगेगा ऐसे हमें लगता है।